पार्टी का अध्यक्ष वही है, लेकिन लोग तो मुझे ही जानते हैं, वो लोग मुझे ही मानते हैं, तो खैर वो पेपर पे वही बॉस तो वही है। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत जो नहीं पसंद करना चाहता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा वो एक अच्छे जगह पर जाए। वो मानते हैं कि हमेशा ये गुलाम था और आज भी गुलाम रहे। हमने एक देश के बड़े नेता से हमने सुना था कि अपने लोगों को समझा रहे थे, सिखा रहे थे। उस समय मैं बिहार में राजनीति में नए आया था और उस समय उन्होंने कहा कि तुमको अगर राजनीति सीखना है तो बिहार के लोगों से सीखो, और वो लोग गुजरात के थे। आज नीतीश कुमार जी के पास क्या ऑप्शन है या तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास क्या ऑप्शन है? तो सब आदमी के पास सीमित दायरा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत ऑप्शन है, जैसे कि मुकेश। हाँ, जैसे मुकेश सहनी के पास है। नीतीश कुमार जी का खुद का भी एक एज हो चुका है और 2-3 साल और रहेंगे तो मुझे लगता है कि 75 क्रॉस कर देंगे। तेजस्वी का समर्थन से ये सरकार चला रहे हैं तो भविष्य में ये भी हो सकता है कि जेडीयू के समर्थन से तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार चलाएंगे। जेडीयू अगर अपने दम पर 125 का बहुमत ले आते तो उनको क्या जरूरत है किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, खुद ही बनेंगे। जब दिल्ली से आपको फोन आया तो कहा गया कि दिल्ली आइए बात करनी है, तो आपने भी बड़ा मजेदार जवाब दिया। इन्होंने कहा कि आप जो है बिहार आइए, अगर 2024 जीतना है तो बिहार आइए। कुछ लोग इच्छा जाहिर किए कि कुछ बात करना है, तो हमने कहा कि भाई बिहार आइए, बिहार में बैठ के बात करेंगे। ठीक है, वो समय था, आज फिर से मानते कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है। ठीक है, तो वो हाँ क्यों नहीं मानेंगे, जब लालू प्रसाद जी को मानते हैं, जब उनको हम दिल में रखते हैं तो उनके बेटा को क्यों नहीं मानेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में इतना शक्ति हो, इतना हमारे पास वोट बैंक हो, इतना हमारे पास विधायक हो कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। 4 गो विधायक हमारे पास था, वो भी लोगों ने खरीद लिया। कितने में खरीदे नहीं खरीदे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग कहते कि आपके विधायक बिक गए, तो मैं भी वही मानता हूँ। ठीक है, मेरे आँख के सामने में तो ऐसा कोई पैसे का डील नहीं हुआ है। जो भी जब भी जिनसे भी हम बदला लेंगे, पॉलिटिकली तरीके से बदला लेंगे। ठीक है, बदला लेंगे। आप अगर सीएम बनते हैं मुकेश सहनी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो अभी सीएम तो बहुत दूर की बात है। देखिए, अभी हमको मत उलझाइए, बहुत ही लोग सीएम के लाइन में है। ठीक है, और उस लाइन में हमको अभी छोड़ दीजिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी बिहार। मैं मुकेश सहनी, मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, ये 2020 चुनाव में आरजेडी के खिलाफ मुकेश सहनी ने कहा था, जिसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए और शामिल होने के बाद फिर उन्होंने एनडीए भी छोड़ दिया, जिसके बाद मंत्री पद भी चला गया और अब बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी अलग थलग हो गए, या फिर आप ये कहिए कि अब मुकेश सहनी अकेले हो गए। लेकिन आपको बता दें कि अकेला होने के बावजूद मुकेश सहनी इतना दम रखते हैं कि अगर आज भी वो मैदान में उतर जाते हैं तो वो अच्छों अच्छों की नैया डुबो सकते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि 2024 और 25 का चुनाव भी बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में अब हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर मुकेश सहनी अब क्या करेंगे, क्या वो किसी साथी की तलाश में है, क्या करने वाले हैं मुकेश सहनी। ये सारे सवाल के जवाब हम आज खुद मुकेश सहनी से लेंगे। मुकेश सहनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मेरा तो काम ही है खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे समाज जो वंचित है मुख्यधारा से जुड़ने वाला, ऐसे लोगों के बारे में बात करना और ऐसे लोगों को आप अपने चैनल पे समय देना, ये मेरे लिए ज़्यादा खुशनवी वाली बात है कि आपने हमें ऐसे मौका दे रहे हैं कि ऐसी बात अपने रखने के लिए, तो इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया, कबूल करिए। अच्छा, ये बताइए मुकेश सहनी जी, अभी शुरू करेंगे हम लोग सवाल, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी हम मुखातिब किससे हैं, मुकेश सहनी जी से या फिर संतोष सहनी जी से? नहीं, मैं आप तो मुकेश सहनी के सामने भी बात कर रहे हैं, और रहा कि संतोष सहनी छोटा भाई है, पार्टी का अध्यक्ष वही है, लेकिन लोग तो मुझे ही जानते हैं, वो लोग मुझे ही मानते हैं, तो खैर वो पेपर पे वही बॉस तो वही है। अच्छा। बट लोग मुझे मानते हैं। ठीक है, देखिए, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल हूबहू दिखते हैं मुकेश सहनी की तरह उनके भाई, और ऐसा कई बार हुआ है कि सरकारी कार्यक्रम में जो रिबन कटिंग है वो उन्होंने ही कर दी, भाषण भी उन्होंने दे दिया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, वो किस्सा हम जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कैसे, मतलब कोई कार्यक्रम में मुझे जाना था 2020 में, उस कार्यक्रम में मुझे नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे कार्यक्रम में जनरली पार्टी सुप्रीमो है, मेरा छोटा भाई है, तो जाहिर सी बात है मंत्री प्रोटोकॉल के अनुकूल उनके घर के या परिवार के लोग हैं तो अधिकारी मतलब उनको स्वागत कर लेते, फूल माला से उनको स्वागत कर लेते, तो ये तो एक शिष्टाचार है। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं था, तो कन्फ्यूजन क्या वो विपक्ष वाले ने बिहार के लोगों को, जनता को कन्फ्यूजन में डाला। ऐसे आमतौर पर हमेशा होता है कि किसी
के परिवार के लोगों को कोई रिस्पेक्ट देता, तो इसमें कोई बहुत बड़ा हंगामा करने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन उन्होंने खैर किए हैं, तो खैर वो चलिए वो समय निकल चुका है। लेकिन अभी मुकेश सैनी है हमारे साथ। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए मुकेश सैनी जी कि आपको पता है कि अभी क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में? आप किसी चीज से बेखबर तो नहीं है? बाखबर जरूर है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ बगावत तेवर अपना लिया, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ हम लगातार आरजेडी के नेताओं को देखते हैं कि बयानबाजी से पीछे नहीं हटते, तो मुकेश सैनी इस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी ये सब चीज़ में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं जी। और 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आपने देखा कि मैंने संघर्ष करके हमारे पूर्वज ने, हमारे लोगों ने बहुत लंबा समय से बहुत मेहनत किया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनको जगह नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने संघर्ष करके और एक सिस्टम पे आया, एक धारा में हमने जुड़ा कि हमारे लोगों का कल्याण हो सकता है, और उस वो हमने 2020 में हमने करके दिखाया। उसके बाद आपने देखा कि ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत जो नहीं पसंद करना चाहता कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा वो एक अच्छे जगह पर जाए, वो मानते हैं कि हमेशा ये गुलाम था और आज भी गुलाम रहे, तो उन्होंने अपने रणनीति के तहत उन्होंने गठबंधन से बाहर किए, सरकार से बाहर किए, मंत्रिमंडल से बाहर किए, तो सारे प्रक्रिया उन्होंने किया क्योंकि उनके पास पावर था, उन्होंने किया। अभी मेरे पास मौका है संघर्ष करने का। जब मुझे कोई नहीं जानते थे तब मैं अपनी पहचान मैंने इस बिहार में और देश में हमने बनाया, और अभी हम संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और गाँव में घूम के बूथ पे घूम के। फिर भी ये हम जानना चाहेंगे कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, हाँ, लोग ये भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं खबरों के बाजार में कि ये भी चर्चा बहुत गर्म हो गई है, ये सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है? नहीं, ठीक है। बिहार के राजनीति में आप देखिएगा तो काफ़ी उथल पुथल है, और बिहार की राजनीति तो पूरे देश को सीखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने एक देश के बड़े नेता से हमने सुना था कि अपने लोगों को समझा रहे थे, सिखा रहे थे। उस समय मैं बिहार में राजनीति में नए आया था, और उस समय उन्होंने कहा कि तुमको अगर राजनीति सीखना है तो बिहार के लोगों से सीखो। अच्छा। और वो लोग गुजरात के थे, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो इतने बड़े नेता भी उस समय मानते हैं कि बिहार के लोगों से राजनीति सीखना चाहिए। तो बिहार में तो राजनीति तो हमेशा बदलाव हो जाता है, 360 डिग्री पे कब टर्न हो जाए वो किसी को नहीं पता चलता है। बाएं हाथ से करते तो दाहिने हाथ को नहीं पता चलता, दाहिने हाथ से होता तो बाएं हाथ को नहीं पता चलता। तो ये है हमारी बिहार है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, देश में फिर से प्रधानमंत्री चुनने का समय है। जो आज प्रेजेंट में जिनके देश में सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री दोबारा रिपीट हो, और विपक्ष अपनी सारी सारी शक्ति लगाएंगे कि बहुत सारा इशू है देश में, खास करके युवा का, गरीब किसान का, बहुत सारा इशू है जो पूरा नहीं हुआ। तो विपक्ष भी चाहते हैं कि हम जनता को कन्विंस करके और ऐसे जगह पे हम पहुँचे। तो और 10 साल से ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी हैं सरकार में, तो विपक्ष भी अपनी सारी शक्ति लगाएंगे और पक्ष में जो हैं सत्ता में वो भी अपनी सारी शक्ति लगाएंगे। तो ये तो आपस में लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे बिहार में कई पॉलिटिकल पार्टी है, सब पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना ताकत है, अपना बेस वोट है, आधार वोट है, उनको लोग मानते हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो खटपट है, ये सब होता ही, लेकिन किसी के पास विकल्प नहीं है। जो आदमी जिस खेमा में है, जिस विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा में रहेंगे, थोड़ा नरम गरम होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके मान लीजिए आज नीतीश कुमार जी के पास क्या ऑप्शन है, या तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास क्या ऑप्शन है, मुकेश सैनी के पास, या भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, या कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन है। तो सब आदमी के पास सीमित दायरा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत ऑप्शन है, जैसे कि मुकेश सैनी जी, हाँ, जैसे मुकेश सैनी के पास है, तो हम समय आने पर डिसीजन लेंगे। अभी हम, हाँ, अभी सिर्फ हम अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और समय आएगा तो हम देखेंगे कि हमारे देश का समस्या क्या है। निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस जगह पे पहुंचा हूं, उनको तो सम्मान मिलना चाहिए, उनके अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत यहां पे मैं पहुंचा हूं। इसके ऊपर भी हम सोचेंगे कि हमारा राज्य का भला कैसे होगा, हमारे देश का भला कैसे होगा, देश में हमारी तरक्की कैसे होगा, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे बच्चे, गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था कैसे होगा। तो ये सारा चीज़ सोच कर हम डिसीजन लेंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और मीडिया से भी थोड़ा दूर है। अब 2 महीने के बाद
मैं आपके साथ साक्षात हो रहा हूँ, तो मैं अभी थोड़ा दूर रहता हूँ, थोड़ा अपने काम पे फोकस रखा। मुकेश सैनी जी, लेकिन ठीक है, मीडिया से दूरी है लेकिन खबरों से दूरी नहीं है आपकी। पार्टी है तो निश्चित तौर पर पार्टी में प्रवक्ता है, लोग हैं, अच्छी चीज के बारे में तो सुना होगा ना कि जेडीयू और आरजेडी की डील हो गई और मुकेश सैनी बहुत बाखबर रहते हैं। आपको बता दें कि वो बेखबर नहीं, बाखबर रहते हैं। तो मुकेश सैनी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि डील के बारे में क्या जानते हैं, क्या हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, कोई आपको अंदाजा है? नहीं, डील तो देखिए, अभी अगर घुमाने वाली बात हो तो मैं कुछ भी बोल के निकल जाओ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर आज महागठबंधन का सरकार जो है वो आरजेडी के सहयोग से बिहार में आज सरकार चल रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास बहुमत, फुल बहुमत तो है नहीं, उनकी अपनी खुद की 40-45 सीट है, और बड़ा संख्या जो बल है वो आरजेडी के सपोर्ट से और कांग्रेस या लेफ्ट के कह के कह सकते हैं कि सरकार चल रही है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का खुद का भी एक एज हो चुका है, और 2-3 साल और रहेंगे तो मुझे लगता है कि 75 क्रॉस कर देंगे, उसके बाद नए जनरेशन के लोग आएंगे राजनीति में। तो जाहिर सी बात है, अभी तेजस्वी का समर्थन से ये सरकार चला रहे हैं, तो भविष्य में ये भी हो सकता है कि जेडीयू के समर्थन से तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार चलाएंगे, ठीक है। अब 25 के बाद तो ये तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब उस समय में कौन बनेंगे, कब बनेंगे, किनका सरकार बनेगा, किनके पास बहुमत है, और फिर बहुमत आने के बाद विधायक क्या सोचेंगे, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्लियर है कि 25 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोच रहे हैं, और ऐसा ही सोचना कुछ जो है वो 25 का ही खेला है। हाँ, ऐसा ही सोचना भी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो बड़ी पार्टी होंगे, जिनके पास ज्यादा विधायक होंगे, तो वही मुख्यमंत्री बनाएंगे जेडीयू। हाँ, अगर अपने दम पर विलय की भी बात हो रही है सैनी जी, क्या लगता है? ये सब मुझे नहीं पता, और अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, अब विलय वगैरह सब मुझे नहीं लगता, और राजनीति तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और रहा कि जेडीयू के लोग और या जेडीयू अगर अपने दम पर 125 का बहुमत ले आते तो उनको क्या जरूरत है किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, खुद ही बनेंगे, उनके पार्टी के सेकेंड लीडरशिप जो भी होंगे नीतीश जी के बाद वो बनेंगे। लेकिन सवाल है कि आपके पास इतना बहुमत भी होना चाहिए, तो खैर ये सब चीज पे उनकी पार्टी समझे, अभी उस पर हम लोग क्या सोचेंगे कि 125 का आंकड़ा वीआईपी पार्टी को मिल जाए और वीआईपी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए, ठीक है। तो अच्छा, मेरा तो ये सोच होगा। अच्छा, ये सुना है कि दिल्ली से भी फोन आ गया है, उस दिल्ली, और ये भी आपने कहा है कि जब दिल्ली से आपको फोन आया तो कहा गया कि दिल्ली आइए बात करनी है, तो आपने भी बड़ा मजेदार जवाब दिया। इन्होंने कहा कि आप जो है बिहार आइए, अगर 2024 जीतना है तो बिहार आइए, तब फिर बात होगी। मैं अक्सर बहुत ऐसा होता है कि कोई काम होता है तो लोग इच्छा रखते हैं कि हम उनके पास जाएं, लेकिन मेरे फोन कॉल किसका था, कभी इस फोन कॉल के बारे में सैनी जी खुलासा नहीं करते हैं। क्या सबसे किसी को लेना देना नहीं है, अब लोग जानना चाहता है कि मेरे पास सीमित समय है, ठीक है। मैं एक एक आदमी से मिलने के लिए जाऊँ तो बहुत समय लगेगा, और मुझे लगता है कि उनको आसान होगा कई लोग एक साथ में आके और हमसे मिल सकते हैं, तो इसलिए कुछ लोग इच्छा जाहिर किए कि कुछ बात करना है, तो हमने कहा कि भाई बिहार आइए, बिहार में बैठ के बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप दिल्ली आए, अभी मुझे दिल्ली जाना होता तो स्पेशल आपके लिए जाना होता, अभी आप आए तो मुझसे मिल लिए, और भी बहुत सारे नेता से बिहार में मिल लिए होंगे, तो मेरे लिए आसान होगा, तो इसीलिए हमने उनको भी बोला कि आप बिहार आइए, अब बिहार में बैठ के बात होगा, हम दिल्ली नहीं आना है, हमारे पास अपनी क्षमता है, ताकत है, हमें तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है वो आके बात करें, ठीक। जरूरत आपकी जरूर पड़ जाती है। हाँ, ये तो कह सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, जो 75 साल से किसी को इग्नोर करके रखे हैं, उनको अपने पैरों तले दबा के रखे, तो वो एक ना एक दिन खड़ा होगा, और जब खड़ा होगा तो फिर हमारे पास एक अपना ताकत है, अपना बेस है, तो लोगों को सम्मान करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपने कहा था, मतलब आप तो लगातार इस तरह के बड़े खुलासे करते रहते हैं, आपने एक और बात कही थी कि बीजेपी वाले आधी रात में आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, देखो मुंह मत खुलवाओ नहीं तो भूचाल आ जाएगा, अब हम ये चाह रहे हैं कि एबीपी के सामने मुंह खोल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए बता दीजिए कि बीजेपी वाले ऐसा कौन सा राज दबाए बैठे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, अब बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, और बड़े बड़े नेता का अलग सोच होता है और छोटे नेता का अलग सोच होता है, तो छोटे नेता बहुत कुछ बोलते हैं और छोटे नेता कुछ पता ही नहीं रहता है कि उनके बड़े नेता क्या बात करते, कैसे बात करते, कैसे चलते, कैसे वो अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं कि हमारा पार्टी कैसे भारत में आगे बढ़े, और छोटे नेता जो होते हैं वो उनको अपने कुर्सी से मतलब रहता है, तो छोटे नेता बहुत अक्सर देखा गया कि बहुत कुछ बोल देते हैं, उनको पता नहीं रहता, तो वही हमने छोटे नेता वाला राज तो नहीं लग रहा है सैनी जी के पास, कोई बड़ा राज है, कोई
ऐसा राज है कि बार बार आपको मनाया जाता है, बार बार आप रूठ जाते हैं, बार बार नहीं नहीं हम कौन सारी कवायतें की जाती हैं। देखिए आप हमें अगर बढ़िया से देखते होंगे तो 2020 से अगर नज़दीक से आप देख रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन से बाहर निकलना हो या NDA से हो, तो हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लोगों ने समय समय पे हमारे साथ गलत किया है और हम कभी भी गलत के रास्ते पे नहीं चलते। ऐसा तो इल्जाम आप पे भी लगा जब आप ये जब मैंने शुरुआत ही की कि मैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, मेरे पीठ में खंजर भोका गया है, तो जब आपने ये राजद के खिलाफ बोला तो तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि सेटिंग हो गई है भाजपा के साथ। अभी देखिए वो बहुत लंबा समय होगा, उस पर हमने कई बार बोल दिया और बिहार के जनता को हर किसी को पता है रहा कि कोई आदमी कुछ गलत करते तो उसके बाद में उनको सफाई देना पड़ता है। और अभी तो उस बात को हमें कोई लेना देना नहीं है, वो समय था, आज फिर से मानते कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, ठीक है, तो वो हाँ क्यों नहीं मानेंगे। जब लालू प्रसाद जी को मानते हैं, जब उनको हम दिल में रखते हैं, तो उनके बेटा को क्यों नहीं मानेंगे। होता है कभी काल, कभी कोई गलती हो जाता है, कभी कोई गलती हो जाता तो उसको हमेशा पकड़ के बीजेपी में भी बहुत सारे नेता से अच्छा संबंध है और बहुत सारे नेता से अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है, और बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोगों से अच्छा संबंध है, बहुत सारे लोग से नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो उनके घर पे दुख सुख में हमको याद करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा संबंध अच्छा है रहा कि हमें हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी है हमारी अपनी ये विचारधारा है और हमारी अपनी विचारधारा है हमारे अपने लोगों के लिए, हम हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और देश में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, तो इनसे मिलना जुलना हमेशा लगा ही रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी पालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने खेत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए सैनी जी कि आपने ही कुछ दिन पहले एक बात कही कि 2025 में मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नहीं नहीं कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास वो वीडियो भी है सैनी जी, आपने कहा नहीं नहीं, अब ये तो देखिए अभी 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 भी हमने आपको इससे पहले भी कहा कि सब पार्टी चाहता है कि हमारे पास बहुमत हो और हम सरकार बनाए, तो मैं भी ऐसे चाहता हूँ, इससे पहले भी हमने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में इतना शक्ति हो, इतना हमारे पास वोट बैंक हो, इतना हमारे पास विधायक हो कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हर पार्टी का सोच होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि हम राज्य के जनता के बीच में अच्छा काम करें ताकि राज्य के जनता हम पे भरोसा करे और हमारे पास खुद का पास इतना बहुमत हो, इतने ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो कि हम अपने दम पर सरकार बनाएं, और जब सरकार बनेगा तो उस पार्टी का फिर वो सोचेंगे कि किनको बनाना है, किस कब बनाना है। आपने एक डील भी की थी, आपने एक बात कही थी, एक शर्त रखी थी कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो आपके पास एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये है कि 2.5 साल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे और 2.5 साल मुकेश सहनी, तो याद है आपको आपने ऐसा बयान दिया था। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि आप फुल बहुमत में नहीं है, ठीक है, तो दूसरे के साथ तो बहुत ऐसे राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में मायावती के समय में दौर में भी ऐसा हुआ था। आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसा किया जाए तो जनता के साथ मजाक होगा? नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, किसी को मैंडेट देती है और इस तरह की अंदर खाने की बात जो चर्चा होती है, ये जो डील होती है, अगर इस तरह की डील कर ली जाए जिससे जनता बेखबर, तो जनता को खुद ही देखिए, जनता को खुद ही एक पार्टी को बहुमत देना चाहिए। अब जनता ही निर्णय ले लिया कि दो पार्टी के पास बहुमत है तो फिर वो तो सरकार दो पार्टी के अंदर में चलना है, तो जनता को ही अगर सोचना है कि भाई हमको किनको फुल बहुमत में सरकार बनाना है। आज मान लीजिए कि नीतीश जी के पास बहुमत दिया, VIP पार्टी को दिए और BJP को दिए और चार हम पार्टी को दिए, चार पार्टी मिला के सरकार बना था, सबके पास पावर जनता ने दिया, अगर उस समय जनता अगर एक ही पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा विधायक को जिता के देते तो शायद उनके अपने दम पे सरकार बन जाता, तो जनता ही हमारे विधायक को जिताते, हम उनको विधायक को नहीं जिताते। ये वाला जो फॉर्मूला है कि अगर बनना है मुख्यमंत्री तो क्या अभी भी खुला हुआ है ऑफर? नहीं ना, अभी तो अभी नेक्स्ट चुनाव जब होगा उस समय में बात होगा, अभी तो हाँ अभी तो जो भी हमारे चार गो विधायक हमारे पास था वो भी लोगों ने खरीद लिया, तो अभी हम किसके ऊपर हम अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है, तो जो सामने वाले ने जो किया वो किए, अभी आगे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, नए सिरे से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सवाल है मुकेश सहनी जी कि आपके पहले कुछ विधायक जो है उनको BJP वालों ने जो है खरीद लिया, जो कहिए आप जो कह रहे हैं कि खरीद लिया क्योंकि BJP में शामिल हो गए, आपके कुछ जो नेता है उनको JDU तोड़ देती है, तो बार बार ये भी इल्जाम लगता है आप पे कि सहनी जी से उनके ही नेता खुश नहीं है, उनके ही कार्यकर्ता खुश नहीं है, या फिर सहनी जी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात, यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पे? नहीं देखिए, आज देश में जो देश की राजनीति है ना वो बदल चुका है, पहले जैसे अटल जी के समय में जो राजनीति होता वो आज नहीं हो रहा है। हमारी चार विधायक के क्या बात करें, 40 विधायक शिवसेना जैसे पार्टी को, इतने विचार की पार्टी को तोड़ देते हैं या उनको छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आज देश में लोग लोभ लालच में फंस गए हैं,
और कुछ लोग अपनी पार्टी के लिए विचार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी पार्टी के लिए अपने विचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कुछ लोगों को लोभ लालच में जाना है, अब कितने में खरीदे नहीं खरीदे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके विधायक बिक गए हैं, तो मैं भी वही मानता हूँ, ठीक है। मेरे आँख के सामने में तो ऐसा कोई पैसे का डील नहीं हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके विधायक बिक गए हैं। तो ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है और जो कार्यकर्ता होता है उनको सोचना रहता है कि हमको किसके पास जाना है। और जेडीयू से मेरा कभी ख़राब संबंध नहीं था ना है, आगे भी मेरे को नहीं लगता रहेगा। और कोई किसी को अगर कोई पार्टी के पदाधिकारी कहीं पार्टी में जाना तो उसको कोई रोका नहीं जा सकता है। मुकेश सैनी जी, आपका एक डायलॉग है कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझे हो क्या, तो हम चाहेंगे कि चुनाव के टाइम में फ्लावर नहीं समझ रहा है मुकेश सैनी को, तो आपने बोल दिया ना, बोला हम चाहेंगे कि आप उसको कंप्लीट करिए। नहीं देखिए, कुछ चीजें होता है, कुछ समय होता है, उस समय में वो बात रखा जाता है। इससे पहले लोग निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी को, बिहार के निषाद समाज को कमजोर लोग समझते थे, लेकिन आज कमजोर नहीं है। हाँ। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है आज कमजोर नहीं है, और कमजोर समझने का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गलती ना करे, क्योंकि हम 75 साल तक सोए थे, अब जग चुके हैं, और अपने हक अधिकार लेना हमें आता है। हम उस कुल खानदान से हैं जहाँ एकलव्य का जन्म हुआ, जहाँ अमर शहीद जुब्बा सैनी का हुआ, जहाँ फूलन देवी हुआ, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ, तो हमें पता है हमारा अधिकार कैसे लेना है। लोग हल्के में ना ले, तो एक समय था, ऐसी बात निकल गई, अभी उसको रोज रोज बोलना अच्छा नहीं है, ठीक। अच्छा ये बता दीजिए कि ये भी बार बार कहा जाता है, एक सिंपल सा सवाल लेकिन हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए, ये बताइए कि मल्ला समाज का बड़ा नेता कौन, अजय निषाद या मुकेश सैनी? ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? ये चीज़ तो जनता से पूछेंगे। अच्छा। और जनता को से लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बेहतर जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि अजय निषाद आपके बारे में लगातार बोलते रहते हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि मुकेश सैनी जो है इतिहास हो गए हैं, बात करना बेकार है उनके बारे में। तो मुकेश सैनी क्या, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे समाज का बेटा है और जयनारायण निषाद जी के सुपुत्र हैं, आज प्रेजेंट में सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, और वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है, और हम अपनी पार्टी में के लिए काम कर रहे हैं, हम संघर्ष में कर रहे हैं, रोड पे हैं, वो एक पावर में है, सांसद हैं, ठीक है, माननीय हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचते मुझे नहीं मालूम है, बट हम तो उनको समाज का बेटा समझते हैं। हाँ, मतलब अच्छा अच्छा समझते हैं, ठीक है। अच्छा मुकेश सैनी जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार इस तरह की बात होती है, मुकेश सैनी जी लगातार हमेशा बेबाक अंदाज में बोलते हैं, लेकिन दो तरह की चीज़ें हैं, दो बात आग से गुजरती है जो बार बार जो है एक डाउट दे देती है। मुकेश सैनी जी एक तो लगातार बहुत बेबाक अंदाज में बोलते हैं, दूसरी बात ये कि कई बार आपको लोगों की मदद करने के लिए देखा गया है कि आप पैसे के बोरे जो हैं वो लोगों की मदद करने के लिए बैंक में भी आप पैसा लेके गए थे, उसके पे भी एक खबर बनी थी। फिर आप एक ज़माने में जो है बिहार सरकार में मतलब अमीर मंत्रियों में शुमार भी किए गए थे, बीजेपी के खिलाफ भी लगातार बोलते हैं, तो डर नहीं लगता है कि सीबीआई ईडी की रेड आप पर? नहीं, सबका डर नहीं है, कोई चोरी का पैसा नहीं है, बहुत मेहनत करके 900 रुपये महीने पर नौकरी करके मैंने कुछ पैसा बनाया है, और जो पैसा है तो जनता को उपयोग में आना चाहिए, काम में आना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास जो भी है वो हमारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अगर कल्याण हो सकता, उसका भला हो सकता, उसके लिए हम वो खर्च करते हैं। तो हमने वही किया जो हमारे लोगों की ज़रूरत था, जैसे लॉकडाउन में कोरोना काल में लोगों को मदद कर आवश्यकता था, मैंने मदद किया, ठीक है, और मैंने बहुत मेहनत करके मैंने पैसा कमाया है। और रहा कि हम जब चोरी करके लाते तो हमें डर होता, अब जिनको जो इंक्वायरी करना वो इंक्वायरी करें, ठीक है, और रहा कि हम अपने काम पे लगे हुए। अच्छा ये बताइए कि आपने एक हिट लिस्ट भी प्रिपेयर की है सैनी जी, आपने बजाते अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास एक हिट लिस्ट है। कितना आप लेके रखे? नहीं बिल्कुल, मैं जब आती हूँ तो फिर मेरे पास तो पूरा 5 साल का डायलॉग जी, 5 साल का थ्रेड, सब चीज आप याद करके रखे, तो इसके लिए मुकेश सैनी के पास आए हैं तो अभी देखिए, जाहिर सी बात है वो हिट लिस्ट के बारे में जानना चाहिए। हम इंसान है, ठीक है, और कोई हमें तकलीफ देंगे, ठीक है, आज लिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे। हाँ जरूर। अच्छा, हाँ जरूर, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो कौन कौन है? आपने साफ कहा है कि बदला लिया जाएगा, माफ हाँ, नहीं किया जाएगा। हाँ, तो जो लोग हमारे साथ गलत किए हैं, ठीक है, आज हमारा बुरा समय है, आज हम कमजोर हैं, तो आज जिसको आंख दिखाना है, उंगली दिखाना, दिखा ले, जिस रोज हम अपने आप में मजबूत होंगे, ताकत में होंगे, ऐसे लोगों को मुंह बंद करेंगे, ठीक है। जो भी लोग होंगे, जो भी, एक नाम
नाम बता के क्या, देखिए नाम इसमें बहुत सारे लोग हैं और हमें किसी के पॉलिटिकल ही लड़ाई लड़ना है, गुंडा वाला लड़ाई नहीं लड़ना है, ठीक है। हमारे ऊपर आज तक कोई केस नहीं हुआ, ठीक है। चुनाव आयोग का केस दो चार को हुआ, बट उसके अलावा आज तक हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी कभी किसी जगह गलत ही नहीं किया, और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पर कभी केस ना हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। हाँ, आचार संहिता का केस मतलब वो एक प्रक्रिया है, ठीक है, जाने अनजाने में गलती हो जाता है, ठीक है, लेकिन तो उस तरीके से हम जो भी जब भी जिनसे भी हम बदला लेंगे पॉलिटिकली तरीके से बदला लेंगे, ठीक है, बदला लेंगे वो छोड़ेंगे। 24 और 25 नहीं, जब भी मौका मिलेगा, ठीक है। अभी हम तो संघर्ष कर रहे हैं, अभी हम उनसे बदला क्या लें, हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम अपनी जगह पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो लोग हमारे साथ गलत किया है, ठीक है, चाहे वो आज किया हो, 100 साल पहले किया हो या 1000 साल पहले किए हों, उस सब चीज़ को सोच के हम लोग चलेंगे ना, वही हम विचारधारा लेके चलते हैं। जरूरी नहीं कि मुझसे गलती की है, हमारे पूर्वज के साथ भी अगर कुछ लोग गलत किए हैं तो उसको भी सोचेंगे कि वो लोगों ने हमारे पूर्वज के साथ गलत किया, ऐसे लोगों के साथ आज समय आएगा, इसके साथ हमें अलग तरीके का नीति से इनके साथ अपनाना चाहिए, ठीक है। एक समय था कि हमारे लोगों के हाथ से पानी नहीं पीते थे, ठीक है, आज पी रहे हैं, एक समय आएगा हम भी, हमारे पास भी वो व्यवस्था आएगा तो हम भी उस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब हिट लिस्ट है, जरूर होना चाहिए और सबके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए, आप ये भी कहते हैं कि मुकेश सहनी की जिंदगी तो ऐसी है कि उस पर पिक्चर हम बना सकते हैं और हम बनाएंगे भी पिक्चर, तो क्या बनाने का इरादा है? अभी देखिए पिक्चर अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा पिक्चर बनेगा, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि उसमें मुकेश सहनी का किरदार कौन निभाएगा। वो भी समय आएगा, अभी इतना एक ही रोज नहीं ले लीजिए, उसके लिए भी अलग से समय निकालिएगा, उसके लिए चर्चा होगा, उसके लिए लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है, काम भी हो रहा है, और समय आएगा तो आप लोगों के बीच में जानकारी देंगे। अच्छा, ठीक है, एक आखिरी सवाल मुझसे जी, हाँ, कि आप अगर सीएम बनते हैं मुकेश सहनी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो अभी सीएम तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने लोगों के लिए संगठन करके मजबूत पार्टी को खड़ा करना है। हमारे पास पावर आएगा, सिस्टम आएगा, तो जरूर सत्ता पावर में आएंगे, तो जैसे सीएम बन के राज्य का विकास ही करना है। जैसे मेरे उदाहरण लेंगे कि मैं 900 रुपये महीने पर नौकरी करके और इतना बड़ा बना, तो जाहिर सी बात है कुछ हमारे पास स्पेशल प्लानिंग होगा, एक स्पेशल सोच होगा, उसी सोच और प्लानिंग के तहत राज्य में काम होगा, ठीक है, और सबके सहयोग से होगा। सोचा होगा ना कि सबसे पहले अगर मौका मिलता है तो देखिए अभी हमको मत उलझाइए, बहुत ही लोग सीएम के लाइन में है, ठीक है, और उस लाइन में हमको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारी हम काम करने दीजिए, ठीक है, इस डिबेट में हमारी पार्टी, हाँ, पेचीदा मत कीजिए, बहुत सारे लाइन में है, ठीक है। कल से हम लाइन में आएंगे, 4 गो और दुश्मन खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो अभी पहले, हाँ, अभी हम अपने आप में मजबूत आ रहे हैं, जिस रोज होना होगा उस रोज पार्टी सीएम बनाएंगे, अभी फिलहाल इस खेल से हमें बाहर रखिए, ठीक है। वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है? हाँ, इसके लिए हमें पता चला है, जानकारी मिला है, सुरक्षा मिला है, उसके लिए लिखा गया था और आईबी की रिपोर्ट पे वो दिए, क्योंकि बिहार में हर कोने में जाना होता है, खास करके हमारे जो लोग हैं गरीब लोग, वो टापू पर रहते हैं, बिहार में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जहाँ लोग अक्सर नहीं जाते हैं, और उनके बीच में बहुत सारा समस्या होता, तो आधी रात को भी हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो राज्य सरकार की तरफ से भी सुरक्षा मिला, लेकिन उसको आप लोगों ने नहीं दिखाया। हाँ, अब केंद्र सरकार, बीजेपी ने नहीं दिया, केंद्र सरकार के तरफ से मिला, और केंद्र सरकार वो अपने तंत्र के द्वारा, आईबी रिपोर्ट के द्वारा उनको लगा कि एक बिहार में, जानना चाह रहे हैं कि सिंगल सहनी रेडी टू मिंगल हो गए हैं क्या? क्या चीज़, सॉरी, सिंगल सहनी रेडी टू मिंगल हो गए हैं अब क्या, क्योंकि बीजेपी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो है सिक्योरिटी मिली है तो लगातार? नहीं, एक प्रक्रिया है, देखिए, ठीक है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में इसके लिए हमने कहा ना, निर्णय लेंगे, और रहा कि एक प्रक्रिया के तहत हमें सुरक्षा मुहैया कराया गया, राज्य सरकार की तरफ से भी है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को भी ने दे के रखा है, केंद्र सरकार की तरफ से भी, जो है वीआईपी हो गए बीजेपी वाले, नहीं नहीं, वीआईपी तो वीआईपी हमारी वीआईपी तो देखिए वीआईपी तो 2018 में हमारी पार्टी हो चुकी है, ठीक है, बिहार के राजनीति में, ठीक है, ये सुरक्षा मिलने से कोई वीआईपी नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है, लोगों को लगा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनके पास ऐसे कुछ रिपोर्ट होगा, इसके कारण हमें सुरक्षा दी, सुरक्षा से कोई वीआईपी नहीं होता, वो काम करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, हाँ, बिजनेस सेक्टर में पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा होगा तो वीआईपी कहलाएंगे, पॉलिटिकल जगत में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता के दिलों में रहेंगे, वही व्यक्ति वीआईपी होगा, सुरक्षा से देखेंगे क्या?
हाँ बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सहनी जी। तो ये थे मुकेश सहनी जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे तमाम सवाल के जवाब दिए हैं। तो देखिए अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सहनी जी आगे कौन से बड़े खुलासे करते हैं, क्या कुछ बम पटाखा फोड़ते हैं बिहार की राजनीति में, ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा एबीपी बिहार। बहुत शुक्रिया।